अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दफा का जिक्र है कि आयशा अपनी अम्मी के साथ बाजार से होकर घर की तरफ जा रही थी। अचानक वो एक खिलौना की दुकान से गुजरती है और उसका एक खिलौना लेने का दिल चाहता है और वो अपनी अम्मी के पास जाती है और उसे कहती है कि अम्मी जान, मुझे एक नया खिलौना लेना है, मेरे सारे खिलौने टूट गए हैं और मेरे खेलने के लिए कुछ नहीं। बेटा, जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते खिलौना लिया था वो कहाँ है, वो कहाँ गया है? अम्मी, मैं अहमद के साथ उस खिलौने के साथ खेल रही थी और वो खिलौना उसके हाथ से नीचे छूट गया और वो टूट गया। अब मैं क्या करूँ? अच्छा बेटा, मैं तुम्हारी जिद पर एक नया खिलौना ले देती हूँ, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी खिलौना होगा। फिर आयशा की अम्मी आयशा को अपने साथ लेकर दुकान के अंदर चले जाती है और वो देखती है कि वहाँ तो बहुत सारे खिलौने पड़े थे, हर तरफ खिलौने ही खिलौने नजर आते थे। वहाँ बहुत सारे बच्चे भी थे जो खिलौने ले रहे थे और वो खिलौने लेकर बहुत खुश हो रहे थे। फिर आयशा की अम्मी उसको उसके खिलौने के पास और दुकान के पास ले जाती है और उससे कहती है कि बेटा, यहाँ देखो कितने खिलौने पड़े हैं, तुम इन खिलौनों में से एक खिलौना पसंद कर लो और मुझे बताना तुम्हें कौन सा खिलौना पसंद आया। ठीक है अम्मी, मैं अभी आपको इन खिलौनों में से एक खिलौना पसंद करके बताती हूँ। आयशा बारी बारी तमाम खिलौनों को देखती है और थोड़ी देर बाद आयशा की अम्मी उससे पूछती है कि बेटा, तुम्हें इन खिलौनों में से कौन सा खिलौना पसंद आया है? अम्मी, मुझे वो सामने वाला भालू मुझे बहुत पसंद आया है, वो बहुत ही खूबसूरत। ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हें इस दुकानदार से ये खिलौना खरीद कर देती हूँ और पूछते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है। इसके बाद जो होता है कि आयशा की अम्मी आयशा को उसको खिलौना लेकर देने के लिए दुकानदार के पास जाती है जो कि मोबाइल पर बातें कर रहा था। आयशा बहुत दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि मम्मा आज मुझे नया खिलौना लेकर दे। दुकानदार के पास जाने के बाद दुकानदार कहता है कि आपको कौन सा खिलौना पसंद आया? भाई साहब, हमें वो ब्लैक और व्हाइट कलर का भालू बहुत पसंद आया है, वो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, आप बताइए उसकी प्राइस क्या है? और भाई साहब, इसका रेट बहुत कम लगाना क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत कम है। बहन जी, उसका रेट 500 रुपए है और मैं इससे रेट कम नहीं कर सकता क्योंकि यही हमारी खरीद है। भाईजान, इसका रेट तो बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं खरीद सकती, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। ये सुनकर आयशा बहुत उदास हो जाती है और उसकी अम्मी उससे कहती है कि बेटा, मैं ये तुम्हें खिलौना नहीं ले रख सकती क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। फिर आयशा बहुत उदास होकर अपनी अम्मी के साथ वहाँ से चली जाती है और वो दिल ही दिल में सोचती रहती है। वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है और बेचारी बहुत उदास दिखाई दे रही होती है क्योंकि उसे आज उसका फेवरेट खिलौना नहीं मिल सका और वो अपने किए पर बहुत पछता रही थी कि उसने खिलौना क्यों तोड़ा। वो रात को भी उसके बारे में सोचती रहती है। फिर अगले दिन जो होता है कि वो अपने दोस्त अहमद के पास उसके पास खेलने जाती है और वो उसके घर पहुंच जाती है। फिर उसको उसकी अम्मी दिखाई देती है और वो उससे कहती है कि अम्मी जान, क्या अहमद घर पर है? उसकी माँ कहती है हाँ, वो अपने कमरे में सो रहा है। फिर वो उसके कमरे के पास उसके पास चली जाती है और वो वहाँ देखती है कि वहाँ पर तो बहुत सारे प्यारे प्यारे खिलौने पड़े थे। वो उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है, वो खिलौने उसको बहुत पसंद आते हैं और वो उनमें से एक खिलौना उठाकर देखने लगती है कि वहाँ से अहमद भी उठ जाता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे खिलौनों को हाथ लगाने की? अहमद, तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो बस उठाकर इसे देखना चाहती थी। हाँ, मुझे पता है तुम अब इतनी मिसली मत बनो, तुम मेरे खिलौनों को चोरी करना चाहती थी और मुझसे चुरा कर इसको तोड़ना चाहती थी ताकि तुम अपने खिलौना टूटने का बदला ले सको और इस तरह तुम्हारा बदला पूरा हो। अहमद आयशा को वहाँ पर बहुत डांटता है और आयशा उदास होकर अपने घर की तरफ वापस चली जाती है और वो रात को अपनी अम्मी के पास बैठी होती है और उससे कहती है कि अम्मी, अल्लाह पाक ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? उसने दूसरों को इतने पैसे दिए लेकिन हमारे पास तो एक खिलौना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। देखो बेटा, ये सब अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जिसको चाहता है अमीर बनाता है और वो जिसको चाहता है उसे गरीब बना देता है। बेटा, तुम उदास ना हो, मैं तुम्हें कल खिलौना लेकर दूंगी। ये सारी बातें करकर वो रात को सो जाती हैं और कुछ हफ्ते बाद ये होता है कि आयशा की अम्मी को उसको पैसे मिले होते हैं और वो आयशा के लिए बैग में कुछ लेकर आती है और वो आयशा से कहती है, देखो बेटा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक खिलौना लेकर दूंगी और ये देखो मैंने तुम्हारे लिए एक नया खिलौना खरीद कर लाई हूँ। ये सुनकर के आयशा को अम्मी उसके लिए खिलौना लेकर आई है, वो बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने खिलौने के साथ खेलने लगती है। देखो प्यारे बच्चों और नाजरीन, हमें इससे ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की जात से कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि वही हर चीज़ को अता करता है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की खबर मिल सके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमर यासीर। आज की कहानी ये है कि एक शख्स शहर के करीब गांव में रहता था, उसका नाम हामिद था। उसकी शहर में एक बेकरी की दुकान थी जो बहुत ही मशहूर थी। उसकी दुकान से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थीं, वो खालिस चीज़ें बेचता था। लेकिन वो एक बहुत ही लालची इंसान था, वो एक कंजूस इंसान था। उसके पास बहुत दौलत थी लेकिन वो फिर भी और चाहता था। उसका एक बेटा और एक बीवी भी थी, वो उनका पेट तो बड़ी आसानी से पाल लेता था लेकिन वो चाहता था कि मैं और भी ज्यादा अमीर हूँ। वो हमेशा दौलतमंद होने के ख्वाब में लगा रहता था। हामिद के पड़ोस में एक हारून नामी शख्स भी रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसकी एक बीवी भी थी और एक बेटी भी, वो उनका बड़ी मुश्किलों से पेट पालता था। वो बेचारा दिन भर मजदूरी करता
और उनके लिए कुछ न कुछ लाता था। एक दिन वो उनके लिए खाना लेने के लिए बाहर से जा रहा होता है कि हारून हामिद की बेकरी के सामने से गुजरता है। वहाँ बहुत सी ताज़ा ताज़ा डबल रोटियाँ और बिस्कुट पड़े थे। उसको डबल रोटियों से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है और वो उन खुशबू को सूख लेता है और खुशी महसूस करता है। इधर से हामिद ये सारा माजरा देख रहा होता है। वो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो हारून के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बेकरी के सामने खड़े क्या कर रहे हो, और तुमने मेरी बेकरी के आने वाली खुशबू को भी सूंघा है, इसलिए तुम्हें इसके पैसे अदा करने होंगे। बेचारा हारून ये सुनकर परेशान हो जाता है और उससे कहता है, भाई हामिद मेरे पास कोई पैसे नहीं है और खुशबू सूंघने के कौन से पैसे होते हैं, भला आप ही बताइए, मैं तो यहाँ पर खड़ा हुआ था। नहीं हारून, हर चीज की एक कीमत होती है और तुम्हें भी इसकी कीमत अदा करनी होगी, मैं तुम्हें काजी के पास ले जाऊंगा। इधर से बहुत सारी आवाम इकट्ठी हो जाती है और ये सारा माजना देखने लगती है। उनमें से एक अकलमंद आदमी हारून का दोस्त भी खड़ा होता है, उसका नाम इब्रार होता है। वो ये सारा माजना देख लेता है और उनके पीछे काजी की तरफ रवाना हो जाता है। वो सब काजी की तरफ रवाना हो जाते हैं और अपना फैसला करवाने के लिए काजी साहब को बुलवा लेते हैं, और काजी साहब के पहुंचने के बाद और उनसे कहते हैं कि सलामुअलैकुम काजी साहब, ये मेरा पड़ोसी हारून है और इसने मेरी बेकरी से आने वाली खुशबू को सूंघा है और ये मुझे इसका पैसे अदा नहीं कर रहा। नहीं काजी साहब, मैंने तो बस इसकी बेकरी से आने वाली खुशबू को सूंघा था, और इसके कौन से पैसे होते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हारा फैसला अभी सुनाता हूँ। फिर हारून का दोस्त इब्रार आगे बढ़ता है और काजी साहब से कहता है कि काजी साहब, हारून मेरा पड़ोसी और दोस्त भी है, वो बेचारा पैसे इसके नहीं अदा कर सकता, इसलिए इसके सारे पैसे मैं अदा कर दूंगा। फिर काजी साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, अब इब्रार हारून के सारे पैसे हामिद को अदा करेगा और इस तरह ये मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर इब्रार हामिद के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई हामिद, अभी मेरी जेब में पैसे नहीं है, इसलिए तुम कल मेरे घर पर आ जाना, मैं सारे पैसे तुम्हें वहीं दूंगा और तुमने हारून को भी तंग नहीं करना। चलो ठीक है इब्रार, मैं तुमसे कल पैसे ले लूंगा और मैं हामिद को कभी तंग नहीं करूंगा। इस तरह ये सारा मामला यहीं पर खत्म हो जाता है और हामिद वहां से चला जाता है। फिर हारून इब्रार से कहता है, भाई इब्रार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप आज नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। नहीं भाई हारून, इससे कुछ नहीं होता, ये तो मेरा फर्ज था। फिर इब्रार ये मामला सुलझाकर वहां से चला जाता है और हारून भी अपने घर को चला जाता है। वो आज बहुत खुश होता है। फिर कुछ महीने गुजरने के बाद हामिद के साथ यूं होता है कि उसने जिस कंपनी से डील की होती है वो उसके पैसे सारे लेकर भाग जाती है। इस तरह हामिद कंगाल हो जाता है। फिर हामिद हारून और इब्रार के पास चला जाता है। हामिद हारून के सामने रोने लग जाता है। फिर हारून हामिद से कहता है, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर हामिद हारून से कहता है कि भाई हारून, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैंने जिस कंपनी से डील की थी वो वहां से भाग गई, आप बड़ी मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। ये सब कुछ तुम्हारी बेईमानी की वजह से हुआ है। हाँ भाई हारून, मैं जानता हूँ, अगर मैं आपके साथ उस दिन ऐसा ना करता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। हाँ हामिद, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि दूसरों के साथ बुरा करने से खुद से भी बुरा हो जाता है, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इब्रार और मैं तुम्हें कुछ पैसे देंगे और इससे तुम कारोबार चलाना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना। फिर हामिद हारून को मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और इससे उसको ये सबक मिलता है कि दूसरों के साथ कभी नहीं बुरा सलूक करना चाहिए। इस तरह बच्चों ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों के साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के साथ बुरा सलूक करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। अगर बच्चों मेरी आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन,
हरिपुर के इलाके में एक खानदान रहता था जिसमें दो भाई रहते थे। एक का नाम इमरान था और दूसरे का नाम आमिर था। इमरान बहुत ही शरीफ लड़का था, लेकिन आमिर इमरान बहुत ही ख़राब लड़का था। वो नशे की लत में पड़ गया था और वो घर का सारा सामान खर्च कर देता था, और वो सुबह सवेरे अपने घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के पास चला जाता था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर रियाशियाँ करता था और उन पर ही सारा पैसा खर्च कर देता था। हत्ता कि वो घर की पूंजी भी खर्च कर देता था और अपने घर के खाने के लिए भी कुछ भी ना बचाता था। लेकिन उसका भाई आमिर बहुत ही शरीफ लड़का था। वो सुबह सवेरे बेचारा घर से बाहर निकलता और अपने घर के हालात बेहतर करने के लिए रोज़ी कमाता था, और वो एक सेठ के पास काम करता और वहाँ से सारा दिन काम करके पैसे कमाता और अपने माँ बाप का पेट पालता था। उसका बाप तो वो जाको 2 महीने पहले फौत हो चुका था और वो बेचारा बहुत परेशान था। एक दिन ऐसा हुआ कि आमिर इमरान अपने घर वापस आया और ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ से चिल्लाकर खाना मांगने लगा और कहने लगा, अम्मी अम्मी नहीं अम्मी मुझे खाना दो। इस पर इसकी अम्मी कहती है कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं पड़ा और तुम तो सारा वक्त वेले ही रहते हो और कोई काम भी नहीं करते। और अपने इस पर वो गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ को डांटने लग जाता है और उसे बुरा भला कहता है। फिर इतने में यूँ होता है कि उसका भाई आमिर भी घर वापस आने को होता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं कोई काम नहीं करता, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता और मेरा भाई आमिर का कमा नहीं रहा। ये सब देखता है कि आमिर जब घर आता है तो ये सब कुछ देख लेता है और वो आमिर इमरान के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी माँ को डांटा क्यों। इससे वो गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें खाने के लिए कुछ लाना होगा और तुम्हें कमा कर कुछ लाना होगा, अगर ये नहीं कर सकते तो हमारे घर से दफा हो जाओ। ये सुनकर इमरान कहता है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं तो जा रहा हूँ, जो करना है कर लो। वो फिर ऐसा होता है कि वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है और वहाँ से उनसे बातें करने लग जाता है। वो जाता है और वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उसका एक दोस्त आता है उसके पास और कहता है कि तुम इमरान अपने घर अपने के कुछ पैसे लाए हो हमारे उड़ाने के लिए। वो कहता मैं नहीं लाया। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस बेचारे को बहुत जोर 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 से मारते हैं और वो बेचारा ज़मीन पर गिर जाता है। वो उससे कहते हैं कि तुम पैसे क्यों नहीं लाए। वो ज़मीन पर लेटा हुआ होता है, इस तरह से मुन्नू चाचा भी आ जाते हैं। वो उसको देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं और वो उसे पहचान जाता है। वो उसको हॉस्पिटल में ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। फिर वो उसके घर में जाता है और उनकी माँ से कहता है कि तुम्हारा बेटा मुझे वहाँ से पड़ा हुआ मिला। इमरान सड़क पर लाचार पड़ा हुआ था और वो बहुत जख्मी था। मैं इसे हॉस्पिटल ले गया और इसे ठीक करवाया, बराए मेहरबानी आप इसका ध्यान रखिए। ये कहकर मुन्नू चाचा वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं, और वो उधर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है कि मैं इस लड़के का क्या करूँ। इधर से यूँ होता है, शाम होते चली जाती है और इधर से आमिर भी घर वापस आ जाता है। वो आज बहुत खुश दिखाई नज़र आता है और वो अपनी माँ के पास चला जाता है और उससे कहता है कि माँ माँ मेरी नौकरी लग गई है और अब हमारे दिन तब्दील हो जाएंगे और हम अब खुशी खुशी से ज़िंदगी गुजारेंगे। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमारा इमरान बेटा अभी भी ख़राब है, वो ज़ख्मी होकर पड़ा है, उसे लोगों ने बहुत मारा है। पर इतने अगले दिन ये होता है कि इमरान भी सही हो जाता है, उसकी तबीयत भी ठीक हो, उसे पता चल जाता है कि अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और इस तरह वो घर खुशहाल हो जाता है और इस तरह वो घर खुशहाल हो जाता है और इस तरह वो अपनी खुशियों में हर किसी को शामिल करने लगते हैं। और आमिर अपने भाई को समझाता है कि, और इस तरह ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को आपकी दोस्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया था और तमाम बच्चे बहुत ही खुश थे और बबलू भी बहुत खुश था क्योंकि वो सोच रहा था कि इफ्तारी बहुत खाऊंगा। वो मन ही मन में ख्याल सोचता सोचता अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचकर अपनी अम्मी से कहता है कि अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम बेटा, तुम्हें रमज़ानुल मुबारक का महीना मुबारक। तुम जानते हो कि आज से रमज़ानुल मुबारक का आगाज हुआ जाता है और पहला रोज़ा हर बच्चे को रखना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि तमाम रोज़े रख कर बच्चे अपने अल्लाह को खुश करें और राज़ी करें। आजकल सख्त गर्मी का मौसम है, बच्चे तो क्या बड़े लोग भी रोज़ा रखने से हिचकिचाते हैं और मैं तो सिर्फ अभी 10 साल का हुआ हूँ। बेटा 10 साल की उम्र में हर बच्चे को फर्ज रोज़ा रखना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। मगर अम्मी जान, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े रख सकूं।
बबलू की बात पर नाराजगी दिखाते हुए अम्मी जान ने उससे कहा कि देखो बेटा, जो बच्चे या जो लोग रोजा रखने की नियत कर लेते हैं, अल्लाह ताला खुद ही इन्हें इतनी कुव्वत अता कर देते हैं कि जब वो रोजे का एहतमाम करते हैं तो खुद ब खुद ही उनमें इतनी शक्त पैदा हो जाती है कि सहरी के वक्त से लेकर इफ्तारी तक उन्हें रोजा कुछ नहीं कहता, बल्कि जब बच्चे और बूढ़े रोजा खोलते हैं तो उन्हें एक किस्म की रूहानी खुशी हासिल होती है। बबलू ने अम्मी जान की बात से कुछ इतफाक किया, मगर उसके साथ ये भी कहा कि देखिए अम्मी जान, रोजा रखने के लिए तो बहुत सारी उम्र पड़ी है। मैंने गर्मी सर्दी में स्कूल भी जाना होता है, स्कूल के काम में 5-6 घंटे लगाने होते हैं, फिर सख्त धूप और हबस में घर वापस आकर किस तरह मैं रोजा बर्दाश्त करूंगा। अगर आपने मुझे रोजा रखाने हैं तो फिर 1 माह के लिए स्कूल से मुझे छुट्टी ले दें। मैं रोजे की हालत में घर में बैठकर या लेटकर सारा दिन गुजार लूंगा। अम्मी जान बबलू की ये बात सुनकर कदरे गुस्से में आ गई और उससे कहा कि देखो बबलू मियां, तुम अकेले ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम मुसलमान बच्चे अपने स्कूलों में तुम्हारी जैसी उम्र के मुताबिक जाते हैं। उन्होंने रोजा भी रखा हुआ होता है और तमाम जिंदगी के काम भी करते हैं। स्कूल के काम के अलावा सहरी से लेकर इफ्तारी तक अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, साथ घरेलू कामकाज भी हिस्सा लेते हैं। इसके बावजूद वो खुशो खुरम और ताज़ा दम रहते हैं। फिर तुम्हें क्या कबाहत है कि तुम 1 रोज़ा भी नहीं रखने को कह रहे? 30 रोज़े तो दूर की बात है। अम्मी जान की ये सबक आमोज बातें सुनकर बबलू कुछ शर्मिंदा हो गया और उसने अम्मी जान खुशी से कहा कि देखिए अम्मी जान, आपके रोजे के मुतल्लिक बातें मेरे तिलो दिमाग में सरेत कर गई हैं। मैं इन बातों से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज पहला रोज़ा रखूँगा और इंशाल्लाह सारे रोज़े पूरे करके अपने अल्लाह, अम्मी, अब्बू और बहन भाइयों को भी खुश करूँगा। इस तरह बच्चों बबलू अपनी माँ की बातों पर अमल करता है और वह सुबह स्कूल रोज़ा रख कर जाता है और वो गाकर घर के सारे काम भी करता है और खेलता भी है, लेकिन उसे रोज़ा महसूस नहीं होता। फिर उसे पता चलता है कि रोज़ा रखने का कितने फ़वाद हैं और रोज़ा रख कर कोई महसूस नहीं होता। इससे बच्चों हमें यह सबक मिलता है कि हमें भी रोज़ा रखना चाहिए और अपने वालदैन का एहतराम करना चाहिए। अगर प्यारे बच्चों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी को लगे हुए निशान को दबा लें। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में आज एक नई कहानी अर्ज की है कि किसी शहर में एक रफ़ीक नामी शख्स रहता था। वो बहुत ही नेक और खुश दिल इंसान था। उसकी एक बीवी थी और उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम अहमद था और दूसरे का नाम सना। वो उनसे बहुत प्यार करता था। रफ़ीक के शहर में कपड़ों की एक दुकान थी जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमाता था और अपने घर का पेट पालता था। रफ़ीक बहुत परहेजगार और मुत्तकी इंसान था। वो सुबह सवेरे मस्जिद में जाता और फजर की नमाज अदा करके जिक्र अज़कार से फारिग होकर अपनी दुकान खोलता था। बस इसी खूबी की वजह से वो बहुत ही अमीर हो चुका था। एक दफ़ा यूँ हुआ कि रफ़ीक को किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। उसके पास दुकान से बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे। वो इनको महफूज हाथों में देना चाहता था। वो सबसे ज़्यादा एतबार अपने दोस्त आमिर पर करता था क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त और करीबी दोस्त था। वो उन पैसों की हिफाजत के लिए आमिर को काबिल समझता था और उसके पास चला जाता है। वो उसके पास पहुंचने के बाद कहता है कि भाई आमिर, क्या हाल है? दरअसल मुझे आपके पास आज इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ रहा है और मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं आपको वो देना चाहता हूँ। भाई रफ़ीक, आप बेफिक्र हो जाए, मैं इनकी पूरी हिफाजत करूँगा। रफ़ीक अपने पैसे आमिर को देकर वहाँ से चला जाता है और वो अपने काम के सिलसिले में शहर की तरफ रवाना हो जाता है। और फिर कुछ हफ्ते गुजरने के बाद आमिर को शैतान वसवसे डालने लग जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं रफ़ीक के पैसों में से कुछ पैसे रख लूं और जब वो आएगा और इसके बारे में पूछेगा तो मैं इसके बारे में झूठ बोल दूंगा। फिर आमिर वैसा ही करता है। वो रफ़ीक के पैसों में से कुछ पैसे रख लेता है और अपने इस्तेमाल में ला कर उसे उड़ा देता है। फिर कुछ हफ्ते और महीने गुजरने के बाद रफ़ीक अपने घर वापस आ जाता है और वो आमिर के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई रफ़ीक, क्या हाल है और आप कितने बाद शहर से वापस आए हैं? हाँ यार, मैं शहर से वापस आ गया हूँ। वो कुछ ज़्यादा दिन हो गए क्योंकि थोड़ा सा काम लंबा हो गया था। अच्छा, अब तुम मेरे जल्दी से पैसे वापस कर दो। आप रुकिए, मैं अभी लाता हूँ।
फिर आमिर अपने कमरे में जाता है और वहाँ से पैसों का भरा बैग लेकर वापस आ जाता है और रफीक से कहता है कि भाई रफीक ये लीजिए आपकी अमानत, मैंने इसे बड़ी हिफाजत से रखा था। फिर रफीक आमिर पर एतबार करके उन पैसों को घर वापस ले आता है और वो ना उनको गिनता न सोचता है, वो उन पैसों को टेबल पर रख देता है और वो सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होती है और आमिर पैसों को गिनता है तो वो कहता है कि हाय अल्लाह ये क्या हो गया, मैंने तो इस बैग में 20,000 रखे थे और इसमें तो 15,000 हैं, बाकी के 5,000 किधर गए। फिर रफीक इन पैसों को लेकर आमिर की तरफ दौड़ पड़ता है और वो उसके घर पहुंच जाता है और उसके पास जाने के बाद कहता है कि अरे रफीक आज तुम्हारा मेरे पास कैसे आना हुआ, क्यों मेरे पास आए हो तुम। अरे भाई आमिर मैंने जो आपको पैसों का भरा बैग दिया था उसमें 20,000 थे लेकिन अब उसमें 15,000 है, बाकी के 5,000 किधर गए। मुझे क्या पता 5,000 किधर गए, मैंने तो तुमसे जैसे बैग लिया था वैसे ही रख दिया था। देखो भाई आमिर अगर तुमने मेरे पैसे रखे तो मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम्हें सेठ के पास ले जाऊंगा और मैं अपना फैसला करवाऊंगा। एक तो मैंने तुम पर एहसान किया और तुम दूसरा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर रफीक आमिर को लेकर समझू सेठ के घर की तरफ रवाना हो जाता है ताकि उसको इंसाफ मिल सके और उसको पैसों का हक मिल सके क्योंकि उसने तो कभी ना चोरी की थी ना कोई चकारी और वो तो बड़ी नेकी से काम करता था, वो बेचारा बहुत परेशान था। कुछ देर का सफर तय करने के बाद रफीक और आमिर समझू सेठ के घर पहुंच जाते हैं। समझू सेठ भी अपने घर में होता है और वहीं पर बैठा होता है। क्या हुआ रफीक और आमिर तुम मेरे पास क्यों आए हो। जनाब सेठ मैंने कुछ महीने पहले आमिर को 20,000 रुपए दिए थे लेकिन अब इसमें 15,000 हैं, 5,000 कम है, पता नहीं वो कहाँ गए और आमिर भी नहीं मार रहा कि वो उसने पैसे निकाले हैं। नहीं सेठ साहब मैंने इसके पैसे नहीं चुराए, इसने मुझे जैसे पैसे का बैग दिया था मैंने वैसे का वैसा ही रख दिया था। अच्छा आमिर तुम मुझे ये बताओ कि रफीक ने तुम्हें कब पैसे दिए थे और कहाँ दिए थे। जनाब ये पैसे मुझे रफीक ने कुछ महीनों पहले अपने घर पर दिए थे। यानी के 5-6 महीनों पहले। मैंने तो ये पैसे चेक किए, ये तो बिल्कुल नए हैं, ये तो 2-3 दिन के लगते हैं और इससे मुझे पता चलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ जनाब मैंने रफीक के पैसे चुराए थे क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी। इस तरह ये सारा मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता है क्योंकि आमिर ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया था और वो इस जुर्म के बारे में बहुत शर्मिंदा था। फिर आमिर और रफीक आमिर के घर चले जाते हैं। भाई रफीक मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आमिर मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगे, मैं तुम्हें अपने छोटे भाइयों की तरह समझता था। नहीं भाई रफीक मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती होगी, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई थी। चलो ठीक है मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर रहा हूँ लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए और तुमने किसी से भी ऐसा नहीं करना। इस तरह आज की कहानी हमारी ख़त्म हो जाती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हम दोनों मिलकर उठाते हैं उसको और ले जाते हैं।
हम लोग अब भोजन करते हैं, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हफ्ते का दिन था और आशा को अपने स्कूल से छुट्टी हो गई तो वो अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जब वो चलते चलते अपने घर की तरफ जा रही होती है तो वो एक आइसक्रीम की दुकान के सामने से गुजरती है और वो जब आइसक्रीम को देखती है तो उसका दिल उसको खाने के लिए मचलने लगता है और फिर उसको याद आता है कि उसकी माँ ने उसको आइसक्रीम खिलाने का वादा किया था और अब उसका आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था, इसलिए वो अपनी माँ को कॉल करती है और अपनी माँ को कहती है, मम्मा मम्मा मुझे आज आइसक्रीम खाने का बहुत दिल चाह रहा है और मुझे आज ही आइसक्रीम खानी है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आइसक्रीम खाना बहुत ही मुजर हो सकता है, इससे तुम बीमार पड़ सकती हो। इस पर आयशा कहती है कि नहीं मम्मा मुझे अभी खाना है। तो इस पर इसकी माँ भी राजी हो जाती है और उससे कहती है कि मैं बेटा आ रही हूँ, तुम अभी वहीं वेट करना। तो उसकी माँ आयशा की तरफ चल पड़ती है और उसको आइसक्रीम खिलाने के लिए उसकी तरफ जाती है। वो अपने साथ कुछ पैसे उठाती है और आयशा की तरफ रवाना हो जाती है और वो जब आयशा के पास जाती है तो आयशा बहुत खुश हो जाती है माँ को देखकर। और फिर आयशा की माँ आयशा से कहती है कि क्या हुआ, तुम इतनी आइसक्रीम खाने के लिए क्यों मचल रही हो? और बेटा सर्दियों में खाना तो आइसक्रीम बहुत बुरी बात होती है क्योंकि इससे तुम बीमार भी हो सकती हो। फिर आयशा अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी अम्मी इस कुछ नहीं होगा, मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ, मुझे इस खाने से कोई कुछ नहीं होगा, मुझे आज खाने का दिल कर रहा है इसलिए मैं खा रही हूँ। फिर आयशा की माँ आयशा को लेकर आइसक्रीम शॉप में चली जाती है और उसको आइसक्रीम खाने के लिए कहती है कि बेटा आ जाओ आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। फिर वो दुकान में चल जाती है और आइसक्रीम वाली लड़की से कहती है कि एक मुझे चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो और वो वहाँ से आइसक्रीम लेती है और फिर वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है। और इस तरह आयशा बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी आइसक्रीम खाती है और अपने घर की तरफ चलने को रवाना हो जाती है। वो आज बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसने अपनी आज पसंदीदा चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाई थी और वो उसको बहुत अच्छी लगती थी। अगले दिन यूँ होता है कि आयशा बीमार हो जाती है क्योंकि उसने कल ठंड में आइसक्रीम खाई थी और उसको ठंडा और जुकाम लग जाता है। उसके बाद आयशा अम्मी के पास जाता है और कहता है कि तुमने इतनी सर्दी में आइसक्रीम क्यों खिलवाई, इससे वो बीमार हो गई है और तुम्हें उसकी सेहत की जरा सी परवाह नहीं है। फिर आयशा की माँ कहती है कि तुमने जिद की थी आइसक्रीम खाने के लिए, मैंने इसलिए खिला दी और वो अब बीमार हो गई है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फिर आयशा की दादी कहती है कि वो तो बच्ची है, उसने तो जिद करनी थी, तुम्हें उसे रोकना था। फिर उसका बाप कहता है कि अब क्या होगा। लेकिन अगले दिन ऐसा होता है कि आयशा ठीक हो जाती है और वो खुशबाश अपने घर में खेल रही होती है। फिर उसका बाप उसके पास जाता है, उसे समझाता है कि बेटा सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे आप बीमार पड़ सकते हैं और अपने बड़ों की बात भी कभी नहीं टालनी चाहिए क्योंकि वो आपका। एक दफा का जिक्र है कि हरिपुर गांव में एक खानदान रहता था जिसमें एक माँ और दो भाई और एक दादी रहती थी। वो बड़े ही खुशहाल थे। उनमें से एक आमिर बेटा था जो बहुत ही बुरी सोबत में पड़ गया था और घर के परेशान करता था और उससे घर वाले बहुत तंग थे। वो सुबह को अपने दोस्तों के साथ निकल जाता था और उनके साथ सारा दिन नशे करता था और घर की सारी पूंजी भी नशे में लगा देता था। इस तरह वो सारा पैसा खर्च कर देता था और बुरी सोबत में पड़ गया था। और इमरान बहुत ही अशरीफ लड़का था और वो सुबह सवेरे घर से बाहर निकल जाता और समझू सेठ के पास काम करता था और सारा पैसा कमाता था और अपने घर का पेट पाटता था और इस तरह वो घर का खर्चा चलाता था। एक दिन यूं हुआ कि आमिर घर आया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ से खाना मांगने लग गया और माँ को बुरा भला कहने लग गया। इस पर माँ कहती है, बेटा घर पर खाना नहीं है और तुम इस तरह जोर जोर से मत बोला करो, मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ, इससे आमिर आग बगोला हो जाता है और अपनी माँ को डांटने लग जाता है
और उसे बुरा भला कहने लग जाता है। इतने में वहाँ से आमिर भी घर वापस आ जाता है और वो जब अपनी माँ को देखता है कि वो रो रही है तो तब वो गुस्से में आ जाता है और वो अपनी माँ के पास जाता है और उसे चुप करवाता है और फिर वो वहाँ आमिर के पास जाता है और उसे डांटता है और फिर उसे एक लात चढ़ देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। और सुबह होते ही उस आमिर की माँ उसके पास जाती है और उससे कहती है कि खाने के अगर खाना का चाहिए तो तुम्हें कमा कर लाना होगा। और इससे वो बाहर चला जाता है और गुस्सा होकर घर से नाराज होकर चला जाता है और वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो उसके दोस्त उससे पैसों का पूछते हैं और वो कहता है मेरे पास पैसे तो नहीं है। इससे उसके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं, उसे बहुत ही मारते हैं, उसको डंडों के साथ मारते हैं और उसे बहुत टांगे मारते हैं और जिससे वो बहुत शदीद जख्मी हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। इतने में बबलू चाचा भी आ जाते हैं। जब वो उसको ज़मीन पर बेहोश देखते हैं तो उसके पास फौरन चले जाते हैं और उसको पानी पिलाते हैं और फिर उसको अस्पताल में ले जाते हैं और वो उसके घर में जाता है और सारी सूरत हाल से इतला करता है तो उसकी माँ शुक्र अदा करती है। इतने में आमिरान भी घर आ जाता है और वो खुशखबरी लेके आता है क्योंकि उसे फैक्ट्री में नौकरी मिल चुकी थी जिससे उसके हाल उसके घर के हालात अब बेहतर हो सकते थे। और वो माँ को बताता है कि माँ माँ मेरी नौकरी लग गई है तो उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है और इस तरह आमिर को भी इसके कामों की सजा मिल जाती है और उसको भी इससे नसीहत हासिल कर लेता है। इस तरह वो अब सारे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और आमिर भी अपनी नौकरी के लिए निकल पड़ता है। इससे बच्चों आप सबको सबक मिलता है कि हमें कभी भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपने माँ बाप का अदब करना चाहिए और उनसे हमेशा अच्छे से बात करनी चाहिए और बुरा काम नहीं करना चाहिए। आप प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया था और तमाम बच्चे बहुत ही खुश थे और बबलू भी बहुत खुश था क्योंकि वो सोच रहा था कि इफ्तारी बहुत खाऊंगा। वो मन ही मन में ख्याल सोचता सोचता अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचकर अपनी अम्मी से कहता है कि अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम बेटा, तुम्हें रमज़ानुल मुबारक का महीना मुबारक। तुम जानते हो कि आज से रमज़ानुल मुबारक का आगाज हुआ चाहता है और पहला रोज़ा हर बच्चे को रखना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि तमाम रोज़े रख कर बच्चे अपने अल्लाह को खुश करें और राज़ी करें। आजकल सख्त गर्मी का मौसम है, बच्चे तो क्या बड़े लोग भी रोज़ा रखने से हिचकिचाते हैं और मैं तो सिर्फ अभी 10 साल का हुआ हूँ। बेटा, 10 साल की उम्र में हर बच्चे को फ़र्ज रोज़ा रखना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। मगर अम्मी जान, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े रख सकूँ। बबलू की बात पर नाराज़गी दिखाते हुए अम्मी जान ने उससे कहा कि देखो बेटा, जो बच्चे या जो लोग रोज़ा रखने की नियत कर लेते हैं अल्लाह ताला खुद ही इन्हें इतनी कुव्वत अता कर देते हैं कि जब वो रोज़े का एहतमाम करते हैं तो खुद ब खुद ही उनमें इतनी शक्त पैदा हो जाती है कि सारी के वक्त से लेकर इफ्तारी तक उन्हें रोज़ा कुछ नहीं कहता, बल्कि जब बच्चे और बूढ़े रोज़ा खोलते हैं तो उन्हें एक किस्म की रूहानी खुशी हासिल होती है।
बबलू ने अम्मी जान की बात से कुछ इत्तफाक किया, मगर उसके साथ ये भी कहा कि देखिए अम्मी जान, रोज़ा रखने के लिए तो बहुत सारी उम्र पड़ी है। मैंने गर्मी सर्दी में स्कूल भी जाना होता है, स्कूल के काम में 5-6 घंटे लगाने होते हैं, फिर सख्त धूप और हबस में घर वापस आकर किस तरह मैं रोज़ा बर्दाश्त करूँगा। अगर आपने मुझे रोज़ा रखाने हैं तो फिर 1 माह के लिए स्कूल से मुझे छुट्टी ले दें। मैं रोज़े की हालत में घर में बैठकर या लेटकर सारा दिन गुजार लूँगा। अम्मी जान बबलू की ये बात सुनकर कदरे गुस्से में आ गई और उससे कहा कि देखो बबलू मियाँ, तुम अकेले ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम मुसलमान बच्चे अपने स्कूलों में तुम्हारी जैसी उम्र के मुताबिक जाते हैं, उन्होंने रोज़ा भी रखा हुआ होता है और तमाम जिंदगी के काम भी करते हैं। स्कूल के काम के अलावा सारे से लेकर इफ्तारी तक अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, साथ घरेलू कामकाज भी हिस्सा लेते हैं। इसके बावजूद वो खुश व खुरम और ताज़ा दम रहते हैं। फिर तुम्हें क्या कबाहत है कि तुम 1 रोज़ा भी नहीं रखने को कह रहे? 30 रोज़े तो दूर की बात है। अम्मी जान की ये सबक आमोज बातें सुनकर बबलू कुछ शर्मिंदा हो गया और उसने अम्मी जान खुशी से कहा कि देखिए अम्मी जान, आपके रोज़े के मुतल्लिक बातें मेरे तिलो दिमाग में श्रेयत कर गई हैं। मैं इन बातों से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज पहला रोज़ा रखूँगा और इंशाल्लाह सारे रोज़े पूरे करके अपने अल्लाह, अम्मी, अब्बू और बहन भाइयों को भी खुश करूँगा। इस तरह बच्चों बबलू अपनी माँ की बातों पर अमल करता है और वह सुबह स्कूल रोज़ा रख कर जाता है और वो आकर घर के सारे काम भी करता है और खेलता भी है, लेकिन उसे रोज़ा महसूस नहीं होता। फिर उसे पता चलता है कि रोज़ा रखने का कितने फ़वाद हैं और रोज़ा रख कर कोई महसूस नहीं होता। इससे बच्चों हमें यह सबक मिलता है कि हमें भी रोज़ा रखना चाहिए और अपने वालदैन का एहतराम करना चाहिए। अगर प्यारे बच्चों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी को लगे हुए निशान को दबा लें। अल्लाह हाफिज़ प्यारे।